सब्सक्राइब कीजिए जायका दिल्ली 6 को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंचे। आदाब, आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर पनीर। ये सब्जी भी अपने टेस्ट में कई तरीकों से बनाई जाती है, हर जगह जाके इसका अपना टेस्ट बदल जाता है। पानी कहें या मसाले कहें, सबका अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है, लेकिन पसंद सबको आती है। तो हम ये बनाने वाले हैं आलू मटर पनीर। इसके लिए हमने लिए हैं ये 200 ग्राम आलू, छील के हमने कट कर लिए हैं। आप अपने किसी भी शेप में काट सकते हैं। उतनी ही हमने मटर ली है ये छीली हुई, 200 ग्राम के करीब। और आप देखेंगे कि हमारा पनीर है ये भी हमारे पास 200 ग्राम ही है। हमने इसको सिर्फ वेजिटेबल ऑयल में हमने चढ़ा दिया है, अपना ऑयल सिर्फ डाला और निकाला है, एक ही साइड से सेक के निकाल लिया है ताकि ये एकदम से सॉफ्ट रहे। हम पनीर की कोई भी डिश बना रहे हैं, हम पनीर को बहुत ज़्यादा पकाना पसंद नहीं करते, पनीर को बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि हमारे पास 1 टेबल स्पून वाइट प्याज का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हमारे पास 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम हमारे पास हल्दी है, 1 टीस्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। इसके अंदर बहुत कम मसाले जाएंगे लेकिन ये तभी भी स्वादिष्ट बनेगा। ये देखें, एक चुटकी हमारे पास ये होममेड गरम मसाला है और इसके अलावा हमारे पास ये 1/4 टीस्पून ज़ीरा है। सबसे मेन इसके अंदर ये हमारा अपना खुद का तरीका है और वाकई ये तरीका अच्छा है, आप इसको ज़रूर अपनाएं। ये हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। हमने इनको स्लाइस या चॉप्ड करने की बजाय कद्दूकस करना पसंद करते हैं, जो इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छा सा एक लुक भी देगा और टेस्ट भी देगा। सिर्फ यही मसाले, यही इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा ये नमक जाने वाला है इसके अंदर। और आप ये देखेंगे हमारे पास हरे धनिया की पत्ती और ये ग्रीन चिली है, ज़्यादा बड़ी है, वही तेल है जिसके अंदर हमने अपना पनीर फ्राई किया है। हम इसके अंदर डालते हैं ये ज़ीरा। जैसे ही हमारा ज़ीरा चटकेगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपना ये लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट। ये देखें, हमने इसको 40 सेकंड के करीब हो गए हमने इसे भून लिया है, लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट को। अब हम ऐड करते हैं इसके अंदर ये हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर। हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे इसके अंदर ये हमारे टमाटर, 4 मीडियम साइज़ के जो हमने कद्दूकस किए थे। हमारी हीट बिल्कुल मीडियम है। ये देखें, हमने इसमें टमाटर ऐड करने के बाद 3 मिनट से मुसलसल इसको भून लिया है, मुसलसल चला चला के। ये कितनी अच्छी दिख रही है, मसाले की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये देखें, इस कटोरी में टमाटर को, उसमें हम थोड़ा सा पानी यूँ घुमा देंगे और ये डाल देंगे ताकि ये मसाला नीचे लगने से रुक जाए। अब आप देखेंगे हम इसके अंदर ये जो हमारे पास मटर छिली हुई धुली हुई मौजूद है ये ऐड कर देंगे। ये क्विक सी डिश होती है, जल्दी से बन जाती है, सबको ही पसंद आती है। हम ये इसके अंदर आलू भी ऐड कर देंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसके अंदर। आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 200 मिलीलीटर पानी डालेंगे हम इसके अंदर। ये देखें, ये हमें ऐसा चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब ये देर तक पकेगा तो इससे ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके अंदर 50 मिलीलीटर पानी और डालते हैं। हम इसके अंदर 2 सीटी लगाएंगे, हम इसके अंदर पनीर बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये देखें, हम 2 सीटी लगाने के बाद, ये देखें 2 सीटी लगाने के बाद हम इसको खोल देते हैं, देखते हैं क्या हाल है इसका। ये देखें, ये बिल्कुल सही है। हमने इसकी स्टीम को बहुत जल्दी से खोल दिया है क्योंकि हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ये हमारा पनीर जो हमने हल्का सा सोटे किया हुआ था। अब हम ये इसके अंदर ऐड करेंगे।
हमने इसको हीट से हटा दिया है। हम अपने पनीर को पकाएंगे नहीं, सिर्फ हमने इसको दम देना है। तो आप देखेंगे ये हमारा तैयार है। हम इसके अंदर डाल देते हैं ये एक चुटकी जो गरम मसाला था, और हम इसको जल्दी से ढकना लगा देते हैं क्योंकि हम अपने पनीर को दम लगा रहे हैं। ढकना लगाने के बाद हम अपने कुकर को हल्का सा हिला देंगे, जबकि ये हीट पर नहीं है। ये देखें इसके अंदर ये प्रेशर सा बन गया है, ये वाला, ये इसी के अंदर हमारा पनीर इसी वाली स्टीम के अंदर पकता रहेगा। इसको करते हैं 5 मिनट के बाद। देखें हमने पनीर डाल के 5 मिनट के लिए इसको इसकी स्टीम में छोड़ दिया था। अब देखते हैं इसको, ये देखें कितनी चमकदार सी हो गई है इसकी रंगत, हमें ये ऐसा ही चाहिए था। अब हम इसको हिलाते हैं, आप देखेंगे किसी किसी को इतना ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं होता है, तो वो इसको फुल फ्लेम करके पतला कर सकते हैं, लेकिन हम इसको पतला नहीं करेंगे, हम इसी ग्रेवी को थिक करेंगे। हम थिक कैसे करेंगे इसको, ये आप देखें, हमने थोड़े से आलू इसके अंदर ज़्यादा लिए थे, ये इस तरीके से हम आलू निकाल लेंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, वरना हम ये कुकर के अंदर भी ये इसको यूँ साइड सरकाते हैं आलू को, और यूँ इस तरीके से मसल देते हैं। आलू मटर पनीर में कोई और चीज़ डालो उसको थिक करने के लिए, वो हमारी समझ से बाहर है। ये देखें जब इसके अंदर इतने बढ़िया से गले हुए से आलू होते हैं, तो हम इसी को ही थिक करने के लिए ये काम करते हैं। ये हम डालेंगे इसके अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी नहीं है। आप यूँ आलू लें और यूँ साइड करें, देख सकते हैं आप बड़े आराम से उसको यूँ दबा दिया, और ये हमारी ग्रेवी आप देखेंगे कितनी थिक सी हो गई है। और कोई देखेगा सोचेगा ये कितने बढ़िया से कैसे बना है ये। ये देखें इस तरीके से, ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ये देखें कितनी थिक हो गई है हमारी आलू मटर पनीर। तो इस तरीके से हमने इसको थिक किया है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट, निकालते हैं इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से निकालें इसको, हमारे तरीके से बनाएं आलू मटर पनीर। बहुत ज़्यादा किफ़ायती डिश होती है ये, थोड़े थोड़े से सामान से ही बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। ये आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, जो थोड़ा सा गरम मसाला बचा लिया था हमने बहुत ही मामूली सा वो ऐड कर देते हैं। इसके अलावा एक मिर्च है, इसके बीज इसके अंदर ही डाल देते हैं और इसको भी साइड में रख देते हैं। तो इस तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं आलू मटर पनीर, जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं। ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियोस अपने चाहने वालों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।